हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल बीनास क्रिएशन। मैं हूं बीना और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मगज के लाडू। इसे बेसन के लाडू भी कहा जाता है। ये खास तौर पर त्योहारों पे बनाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मगज के लाडू बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैन ले लेना है और उसमें एक कप हमें घी डाल देना है। तो ये कप 125 ml का है, तो ध्यान रखिएगा मेजरमेंट के लिए। तो घी मेल्ट हो इसीलिए हम इसमें डाल देंगे चने का आटा। तो मैंने यहाँ पर करकरा चने का आटा लिया हुआ है और इस कप का नाप है 250 ml। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी लड्डू बनाएं तो इसी हिसाब से, इसी मेजरमेंट से लड्डू बनाएं, तो आपके जो लड्डू हैं वो एकदम से परफेक्ट बनेंगे। तो इस चने के आटे को हमें अच्छी तरीके से घी में मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको घी के नाप में मालूम नहीं पड़ती हो तो आपको क्या करना है कि आटा जितना एब्जॉर्ब करे बस उतना ही घी डालना है। अगर आप चाहें तो ऊपर से भी घी डाल सकते हैं, लेकिन पहले से हमें ज़्यादा घी ऐड नहीं कर डालना है। अगर थोड़ा सा भी घी ज़्यादा हो गया तो लड्डू एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे, उसे बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब हमें आटे को स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। जैसे ही आटा रोस्ट होता जाएगा उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में घी आटे ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बस हमें इतना ही घी रखना है। आप चाहे तो कम घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ही ड्राई नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आटे का कलर एकदम गोल्डन नहीं होता तब तक हमें इसे पकाना है। करीबन आपको पकाते पकाते 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। फिर आपकी गैस की फ्लेम पे डिपेंड करता है, इसे 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, वरना ये जो आटा है वो जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे आटे का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। तो इसी टाइम पे हमें ऐड कर देना है ऊपर से पानी। तो पानी के मैंने छींटे डाले हैं, ज़्यादा पानी कोई मैंने ऐड नहीं किया है। तो पानी के छींटे डालने से हमारे जो लड्डू है वो एकदम से दानेदार बनेंगे। तो इसी टाइम पर हमें गैस की फ्लेम को जो है वो बंद कर देना है और इसे हमें लगातार चलाते जाना है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो बहुत ही गर्म है। तो इसी से हमारा आटा जल सकता है या फिर इसका कलर जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसे हमें लगातार चलाते जाना है। और आपको लड्डुओं को बहुत ही दानेदार बनाना है तो आपको पानी वाली जो प्रोसेस है वो 2-3 बार करनी है और उसे लगातार फिर चलाते जाना है। तो इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे, इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें कितने दाने दाने दिख रहे हैं, लग रहे हैं ना, एकदम दानेदार लड्डू हमारे बनेंगे इसमें से। तो इसे हमें ठंडा करने रख देना है करीबन आधा घंटा। एकदम हमें इसे ठंडा नहीं करना है, बस इसमें थोड़ी सी गर्माहट रहनी चाहिए, क्योंकि अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे करीबन 15 मिनट तक ठंडा कर लिया है। ये थोड़ा बहुत गर्म है क्योंकि हम इसमें चीनी डालेंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 125 ml कप से ही चीनी ली हुई है, तो जिससे मैंने घी लिया था उसी कप से मैंने चीनी ली है। तो चीनी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस लड्डुओं को हम रेस्ट करने रख देंगे करीबन 3 से 4 घंटा। इसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे, तो जो है बनाने में दिक्कत नहीं आएगी और इसके लड्डू जो है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल नरम नहीं बनेंगे और ये जो बैटर है वो एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसे हम 3-4 घंटा रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 3-4 घंटे के बाद ये एकदम से गाढ़ा हो चुका है, एकदम से ये थिक हो चुका है। तो अब ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और इसके हम लड्डू बनाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा डो हमें हाथों में ले लेना है और आप जिस प्रकार के भी लड्डू बनाना चाहते हैं बस उसी प्रकार का आप इसे शेप दे दें। तो मैं यहाँ पर गोल लड्डू बनाऊँगी। तो इस तरीके से हमें लड्डू बना लेने हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपको लड्डू बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और ऊपर से हम थोड़ी सी पिस्ता की गार्निशिंग कर देंगे। अगर आप चाहें तो लड्डू में ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है, तो ऊपर से मैं थोड़ी पिस्ता की गार्निशिंग कर दूँगी ताकि ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारे
मगज़ के लाडू, बेसन के लाडू या फिर चने के आटे के लड्डू, जो भी आप बोलते हैं, इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है फ्रेंड्स। तो आप ये लड्डू की रेसिपी अपने घर पर एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पास में दिए गए बेल बटन को जरूर से क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप मेरे नए नए वीडियोस को देख सकें। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।